तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मेरे पास आ चुका है कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2022 अंग्रेजी का रियल पेपर, जो कि आपका सेट ए है। और ये बिल्कुल 100% जो है वो रियल पेपर है। रियल पेपर मेरे पास जो है आ चुका है, और आज की वीडियो में मैं आपका इसको जो है फुल सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। तो चैनल को जो है तुरंत सब्सक्राइब कर लें। कक्षा 9वीं की जो है आपको सभी पेपर इसी चैनल पर उपलब्ध कराए जाएंगे, इसलिए तुरंत सब्सक्राइब कर लें चैनल को। कक्षा 9वीं विषय अंग्रेजी, आज की वीडियो अंग्रेजी का रियल पेपर सेट ए, आपको फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलेगा। तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। तो आज तो इससे पहले कि जो हमने वीडियो है उनमें जो है 4 वीडियो बना ली हैं, जिसमें कि सबसे पहली वीडियो में हमने यूनिसिन पैसेज कर लिए हैं, और उसके बाद की वीडियो में जो है हमने नोट्स एंड टाइटल किए हैं, फिर उसके बाद की वीडियो में जो हमने फॉर्मल लेटर मतलब कि एप्लीकेशन और ऐसे किए हैं, और फिर आज की वीडियो में जो है हम पिक्चर गाइड कंपोजिशन करने वाले हैं। तो आप लोगों ने यदि उन वीडियो को नहीं देखा तो आप तुरंत जाकर चैनल पर जाइए और उन वीडियो को देख लीजिए, जो कि आपका जो है वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र जो आपका विषय अंग्रेजी का है, उसके जो है हमने आपको सभी क्वेश्चन जो है कम्प्लीटली करवा दिए हैं। तो तुरंत चैनल पर जाकर जल्दी देख लीजिए, हमारे चैनल पर जाकर तुरंत देख लीजिए उन वीडियो को। हमने कक्षा 9वीं का अंग्रेजी विषय का जो सेट ए पेपर है उसके उसके जो है प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर जो है हमने 5 तक कंप्लीट करवा दिए हैं। 3 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो गए हैं। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि हमारा पिक्चर गाइड कंपोजिशन है। आज की वीडियो में इसका हम फुल सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अगली वीडियो में जो है हम प्रश्न क्रमांक 7वां, 8वां और 9वां करेंगे। फिर उसके बाद की वीडियो में जो हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो आपके विषय अंग्रेजी का जो प्रश्न पत्र है इसके जो है सभी क्वेश्चन जो है हम सॉल्यूशन करेंगे। आज की वीडियो में प्रश्न क्रमांक 6वां जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है वो पिक्चर गाइड कंपोजिशन है। तो हम जो है अपने प्रश्न पत्र अंग्रेजी का जो है आपका क्वेश्चन पेपर है सेट ए, इसकी जो है पिक्चर गाइड कंपोजिशन देख लेते हैं। तो देखने से पहले आप तुरंत चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, तुरंत सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। हमारे चैनल आपके लिए जो है आपकी जो है कक्षा 9वीं के सभी विषयों के पेपर जो है उपलब्ध कराएगा आप सभी के लिए। तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि जैसे ही हम जो है न्यू वीडियो बनाए आपको तुरंत प्रोवाइड हो जाए। और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलते हैं, हम देखते हैं जो है आपकी पिक्चर गाइड प्रश्न क्रमांक 6वां क्वेश्चन नंबर 6। तो चलते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन बैंक है, विषय अंग्रेजी है आपका कक्षा 9वीं क्वेश्चन बैंक 2021-22। और मेरे पास जो रियल पेपर आ चुका है कक्षा 9वीं का सेट जो आपका ए है वो मेरे पास आ चुका है, लेकिन मैं आपको जो है सीधे सीधे नहीं बता सकता, इसलिए मैंने आपको इससे पहले जो आपकी अपनी वीडियो है उसमें बताया है कि आपका जितना पूरा पेपर जो आएगा वो क्वेश्चन बैंक से आएगा। आपका जो पेपर होगा वो आपका क्वेश्चन बैंक से आएगा, इसकी 100% गारंटी मैं लेता हूँ। इसलिए दोस्तों मैंने आपका जितना भी पेपर देखा है, रियल पेपर जो मैंने आपका देखा वो सारा क्वेश्चन बैंक से आया है, वो सारा जो है आपका सेट ए जो आपका है वो सारा क्वेश्चन बैंक से आया है। और मैं आपको जो पेपर है वो सीधे सीधे नहीं बता सकता, नहीं तो यूट्यूब से मेरा जो चैनल है वो बैन हो जाएगा, और यूट्यूब वाले मेरा चैनल जो है वो gmail ID जो मेरे चैनल की वो ख़त्म कर देंगे। इसलिए मैं जो है आपको पेपर नहीं बता सकता, सीधे सीधे नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन बैंक से वो पेपर रियल पेपर जो है मैं सीधे सीधे आपको क्वेश्चन बैंक से बताऊँगा। तो चलिए हम बिना देरी करें जो है क्वेश्चन बैंक से जो है आपके जो है पेपर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो आपका क्वेश्चन बैंक है इसमें देख लीजिए आप। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ आपके, देखिए यहाँ पर जो कि सबसे यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर जो आपका जो क्वेश्चन पेपर है, जो आप लोगों का क्वेश्चन पेपर है उसमें देखिए यहाँ पर 2 यूनिसिन पैसेज 5-5 नंबर के आएंगे, और ये मैंने आपको पिछले वीडियो में करवा दिए हैं। और जो 2 आपको पैसेज आएंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपके 2 पैसेज आएंगे उनमें से सबसे पहला पैसेज है ये आपका, देखिए यहाँ पर ये रहा आपका सबसे पहला पैसेज, जो कि आपका क्वेश्चन बैंक में जो पैसेज नंबर आपका 6वां है, ये क्वेश्चन बैंक में जो आपका पैसे नंबर 6वां है वो आपका जो है क्वेश्चन पेपर जो आपका अंग्रेजी का क्वेश्चन पेपर सेट ए है उसका जो ये क्वेश्चन जो है ये वाला क्वेश्चन जो है पहला जो है यूनिसिन पैसेज है, जो कि आपका क्वेश्चन बैंक का पैसेज नंबर 6वां है। ये आपको बिल्कुल याद कर लेना है पैसेज, ये इसकी क्वेश्चन आंसर हैं जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में जो है सॉल्व करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो तुरंत आप हमारे चैनल पर जाकर इन सभी को देख लीजिए। फिर हमारा जो सेकेंड पैसेज है वो देखिए आपका क्वेश्चन पेपर का जो सेकंड पैसेज है वो मैं आपको दिखा देता हूँ।
जो कि यहाँ पर देखिए आपका सेकंड पैसेज है, जो कि आपका क्वेश्चन बैंक का पैसेज नंबर 3 है, और आपका सेट जो ए है उसका जो है पैसेज नंबर 2 है, जो कि आपका 100% रियल पेपर है। सेट ए जो मेरे पास आया वो बिल्कुल रियल पेपर है, जिसे कि मैं आज आपको इस आज की इस वीडियो में जो है हल करवाऊँगा। तो ये जो आपका पैसेज नंबर जो 3 है, आप इसको जो है याद कर लीजिए, इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं इनको याद कर लीजिए, क्योंकि जो है सेट ए का सेकंड पैसेज आपका क्वेश्चन बैंक का पैसेज नंबर 3 है। फिर इसके बाद पैसेज के बाद यहाँ पर देखिए, फिर हमारा क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि है रीड द फॉलोइंग पैसेज नोट्स एंड सुइटेबल टाइटल। तो नोट्स एंड टाइटल है, जो कि आपका पैसेज नंबर जो है 1 है क्वेश्चन बैंक का, वो आपका जो सेट ए रियल पेपर है उसका क्वेश्चन नंबर जो है 3 है, जिसमें कि आपका ये वाला पैसेज है, बायोगैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ मिथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, द मेजर कॉन्स्टिट्यूट बिगेन मिथेन बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय एनरोबिक डाइजेशन ऑफ एनिमल वेस्ट। ये जो आपका सारा पैसेज है, ये भी मैंने जो इसकी पहली वीडियो में जो है हल करवा दिया है, आप हमारे चैनल पर जाकर इसकी जो फुल सॉल्यूशन देख सकते हैं। और फिर उसके बाद की वीडियो में जो हमने हैं यहाँ पर आप देख लीजिए, इसके बाद की वीडियो में जो हमने फॉर्मल लेटर करवाए हैं, देख लीजिए आप लोग, ये जो है फॉर्मल लेटर, जिसमें कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें कि देखिए आपका फॉर्मल लेटर है, उसमें ये आपका जो है दूसरी वाली, यू आर अमित गुप्ता स्टडिंग इन गवर्नमेंट HSS रीवा, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू इशू ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एस योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू शिफ्ट। एप्लीकेशन है वो आपके अंग्रेजी के पेपर सेट ए में जो है आई है, सेट जो आपका ए है उसमें जो है आपके फॉर्मल लेटर में ये वाली आपकी जो है फॉर्मल लेटर में एप्लीकेशन जो आई है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में हल करवा दी है, और जिसमें कि आपका ऐसे है 1, और इसमें देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन 150 वर्ड, तो इसमें जो है मैंने आपको वंडर ऑफ साइंस का ऐसे करवा दिया है। और आज की वीडियो में जो है हम लोग यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, हम आपको आज की वीडियो में जो है आपको यहाँ पर देखिए पिक्चर गाइड कंपोजिशन करवाने वाले हैं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 6 है पिक्चर गाइड कंपोजिशन, और जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र विषय अंग्रेजी की में जो आपकी पिक्चर गाइड कंपोजिशन आई है वो आपकी सेकंड वाली है, जो है ऑन द टॉपिक ऑन द बेसिक ऑफ द पिक्चर गिवन बेलो राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री। तो ये देखिए हमें एक ऐसी पिक्चर मिल जाएगी जो कि यहाँ पर आपको कलर्ड में है, जो कि आपको ब्लैक एंड वाइट में मिलेगी, और यहाँ पर देखिए आपको द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, इसके ऊपर जो है आपको इसे जो ये जो आपको इमेज दी गई है इसको देखकर आपको जो है एक शॉर्ट पैराग्राफ मतलब कि एक छोटा पैराग्राफ लिखना है, जिसमें कि जो पेड़ है ट्री है उसकी जो है महत्वपूर्णता मतलब कि जो इम्पोर्टेंस है ट्री का, तो उसके बारे में हमें लिखना है। तो सबसे पहले इसको जो है हम देख लेते हैं, और आपको आपको तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर लें, तुरंत चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको कक्षा 9वीं की जो है हम कक्षा 9वीं की अंग्रेजी विषय का सेट ए जो है हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, और इसकी अगली वीडियो में हम आप लोगों को जो है और भी क्वेश्चन करवाएंगे। आज की वीडियो में हम पिक्चर गाइड कंपोजिशन जो है कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा जो है टाइटल है जो है हमारा जो क्वेश्चन है उसमें इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री को हमें जो है लिखना है, और हमें एक पिक्चर दी गई है जिसको देखकर हमें जो है एक पैराग्राफ जो है लिखना है। तो चलते हैं हम तुरंत पैराग्राफ देख लेते हैं, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो हम चलिए पैराग्राफ को जो है देखते हैं, और उसको जो है आप तुरंत नोट कर लीजिएगा पैराग्राफ को, वीडियो को पॉज करके जो है नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जो है आपकी सेट ए का जो रियल पेपर है वो मेरे पास आ चुका है, और उसका जो है क्वेश्चन नंबर 6वें में जो है आपको यही जो है पिक्चर देखने को मिलेगी, और यही क्वेश्चन आएगा कि आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है ट्री के इम्पोर्टेंस के ऊपर, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री। तो आप जो है वीडियो को अच्छे से गौर से सुनिएगा, देखिएगा और समझिएगा। तो चलते हैं हम देखते हैं जो है आपका पैराग्राफ है। तो देखिए दोस्तों, ये जो है आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पर सेकंड नंबर का जो है आपकी पिक्चर गाइड का जो है सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको दिया है पिक्चर गाइड कंपोजिशन में ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बेलो राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री। ठीक है, तो इसमें जो हमें एक हमने अभी आपको जो पिक्चर दिखाई थी आपको उसको देखकर जो है एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है, जो कि आपको ट्री की जो है इम्पोर्टेंस को जो है देखकर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग
ये जो आपका जो इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री है, इसका जो पैराग्राफ है वो है द ट्री आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर आवर लाइफ। मतलब जो हमारा जो ट्री है मतलब पेड़ है वो हमारी जिंदगी जीवन उसके लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। द ट्री आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर आवर लाइफ, जो पेड़ हैं वो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर यहाँ पर देखिए हमारे जो फिर यहाँ पर है दे रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड एड ऑक्सीजन। तो ये जो है आप यहाँ पर देखिए जो आपकी जो आपका जो ये ट्री का जो है ये आपका जो पिक्चर है इसमें ये देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री की जो है ये जो है कुछ पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। तो इनको देख कर ही हमने जो है ये शॉर्ट पैराग्राफ जो है लिखा है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। ये इतना बहुत ही बहुत ही बहुत ही आसान है और आपको जो है हम इतनी आसान भाषा में समझा रहे हैं, इतनी आसान भाषा में समझाएंगे। आप एक बार वीडियो को अच्छे से बिल्कुल माइंड फ्रेश करके देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर आपके क्वेश्चन नंबर 7वीं से लेकर क्वेश्चन नंबर 8वां, 9वां और 10वां संपूर्ण तैयारी के साथ आपका कराया जाएगा। तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें चैनल को। यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ पर आपका है, फिर यहाँ पर देखिए दे रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड एड ऑक्सीजन। तो यहाँ पर देख लीजिए आप यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर प्रोवाइड फ्रूट एंड प्रोवाइड मेडिसिन एड ऑक्सीजन एंड जो जो है यहाँ पर रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर देखिए जो हमने सेकेंड लाइन लिखी है उसमें लिखा है रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड एड जो है ऑक्सीजन। देखिए जो कि आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें यही जो है आपको पिक्चर देखने को मिलेगी और यही आपका जो आएगा द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री। तो इसमें जो हमारी सेकेंड लाइन है पैराग्राफ की उसमें है रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड एड ऑक्सीजन। तो देख लीजिए आप लोग यहाँ पर। फिर हमारी तीसरी लाइन है पैराग्राफ की, जो तीसरी लाइन है उसमें दे प्रोवाइड फ्रूड एंड मेडिसिन। तो जो ट्री हैं वो हमें प्रोवाइड मतलब देते हैं, क्या देते हैं तो फ्रूड एंड मेडिसिन। ये जो है ये भी आपका जो ट्री है उसमें देखिए यहाँ पर है प्रोवाइड फ्रूट एंड प्रोवाइड मेडिसिन। तो इन दोनों को एक साथ करके जो है हमने ये जो है तीसरी जो है लाइन लिखी है दे रिड्यूस इरोजन एंड प्रिवेंट फ्लडिंग। ये भी जो है हमने देखिए यहाँ पर पिक्चर में देखिए रिड्यूस जो है इरोजन एंड प्रिवेंट जो है फ्लडिंग, ये भी जो है हमने इसमें जो पिक्चर को देख कर लिखा है। फिर यहाँ पर देखिए इट कूल अवर हाउसेस, ये जो है हमारे घर को जो है ठंडा करते हैं, ये जो हमारे घर को जो है ठंडा करते हैं कूल्स अवर हाउस, जो कि ये भी जो है आपका पॉइंट है जो है आपका इसी पिक्चर में दिया गया है, इसी फोटो में दिया गया है। फिर है सो एवरीवन शुड प्लांट अ ट्री। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है प्लांट अ ट्री। तो यहाँ पर देखिए सो एवरीवन प्लांट अ ट्री, सो एवरीवन जो है यहाँ पर देखिए सो एवरीवन शुड प्लांट अ जो है ट्री, देखिए यहाँ पर प्लांट अ ट्री। फिर एंड एंड सेव अवर अर्थ, एंड सेव अवर अर्थ, देखिए यहाँ पर एंड सेव अवर अर्थ, ठीक है एंड सेव अवर अर्थ ट्री आर क्लीन द एयर अराउंड अस। जो है देखिए यहाँ पर हमें कह रहे हैं देखिए सो एवरीवन शुड प्लांट, तो हमें जो है प्लांट को लगाना है, प्लांट को जो है हमें लगाना है एंड सेव अवर अर्थ, जिससे कि हमारी जो पृथ्वी है वो सुरक्षित रहे। अगर हम प्लांट ना लगाएं और ऐसे ही जो है ट्री ट्री को काटते रहें, ट्री को अगर लगाए ना, पेड़ों को लगाए ना, सीधे पेड़ों को जो है काटते रहें, तो इससे क्या होगा पृथ्वी पर जो है ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कम होने लगेगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी मात्रा बढ़ने लगेगी। इसलिए जो है हमें जो है ट्री को नहीं काटना है, हमें ट्री को लगाना है और अपने जो अर्थ को है बचाना है, सेव अवर अर्थ। ट्री आर जो ट्री है वो देखिए यहाँ पर ट्री आर क्लीन द एयर अराउंड अस, ट्री आर क्लीन द एयर अराउंड अस, जो पेड़ हैं वो हमारे आसपास की हवा को जो है शुद्ध करते हैं। तो ये जो है आपका एक छोटा सा जो है यहाँ से लेकर देखिए आप यहाँ पर यहाँ से लेकर जो है आपका छोटा सा एक यहाँ तक पैराग्राफ है जो कि आप बहुत ही आराम से लिख सकते हैं, जिसमें आपका 90% है वो आपका जो है इसी पिक्चर से लिया गया है, 98% आपका जो है इसी पिक्चर से जो है लिया गया है। आपको मात्र देखिए आप इस ये जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये पैराग्राफ आप तुरंत जो है लिख लीजिए और आप इस पिक्चर में देखकर आप इस पैराग्राफ को मिला लीजिए, आपका 98% जो है आपका इसी पिक्चर में से जो है हमने पैराग्राफ लिखा है और आपका 100% जो है ये जो आपकी पिक्चर है ये 100% जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र में देखने को आपको 100% जो है मिलेगी, क्योंकि आपका जो सेट ए है वो मेरे पास आ चुका है और वो मैं आपको सीधे सीधे नहीं दिखा सकता, इसलिए मैं आपको जो है क्वेश्चन बैंक से करवा रहा हूँ। और सेट ए में जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है,
सेट ए में आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें जो पिक्चर गाइड कंपोजिशन में जो पिक्चर है वो यही वाली पिक्चर है, ये मेरी 100% जो है गारंटी है। तो तुरंत आप इस पिक्चर को जो है क्वेश्चन बैंक में से देख लीजिए और इसका जो पैराग्राफ है इसको जो है नोट कर लीजिए, इस पैराग्राफ को जो है नोट कर लीजिए क्योंकि यही पैराग्राफ जो है आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपके लिए जो है आपको क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 8, 9 और 10 ये जो है चार प्रश्न की जो है एक वीडियो में सीधे चार प्रश्न करवाएंगे और ये चार प्रश्न जो है आपके 5-5 अंक के होंगे और ये जो आपके सेट ए पेपर के हैं। और आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगली वीडियो में और उसके बाद हम आगे के प्रश्न करेंगे और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको मात्र थोड़ा सा कष्ट करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो के लाइक बटन पर जो है क्लिक करना है, बस आपको इतना कष्ट है। और बाकी हम लोग आपके लिए जो है सेट ए और सेट ए जो है इसमें से मात्र आपकी जो है पैसेज बस बदल सकते हो, बाकी जो क्वेश्चन है वो आपकी सेट ए सेट बी सेट सी सेट डी जितने भी सेट हैं पूरे में जो है सेम आएंगे, सेम क्वेश्चन आएंगे, मात्र पैसेज बस बदल सकते हैं और बाकी जो है आपके सेम आएंगे। पैसेज भी जो है क्वेश्चन बैंक से आएंगे आपके, तो क्वेश्चन बैंक के आप सभी लोग जो है कोई भी सेट हो सेट ए हो चाहे सेट बी हो, सेट ए के तो मैंने आपको बता दी, सेट बी के कोई भी पैसे जा सकते हैं लेकिन आएंगे वो क्वेश्चन बैंक के अंदर से ही। तो आप लोग जो है क्वेश्चन बैंक के सभी जो है आप क्वेश्चन बैंक के सभी पैसेज को पढ़ लीजिए, बाकी सब सेम रहेगा, बाकी सभी क्वेश्चन सेम आएंगे। पिक्चर गाइड जो मैंने आज आपको सेट ए की बताई है वही आपकी सेट बी की आएगी, वही सेट सी की आएगी, वही सेट डी की आएगी, इसलिए जो है आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए और आप लोग जो है चैनल से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली साल जो है आप कक्षा 10वीं में आएंगे और कक्षा 10वीं की संपूर्ण तैयारी आपको इसी चैनल पर करवाई जाएगी जिससे कि आपकी कक्षा 10वीं में 100 में से जो है 99.9% आपको जो है बनेंगे, 100 में से 99.9% आपको इसी चैनल पर जो है आपकी तैयारी करवाई जाएगी, कक्षा 10वीं की संपूर्ण कोर्स आपको इसी चैनल पर उपलब्ध करवाया जाएगा। इसलिए तुरंत सब्सक्राइब कर लें चैनल को, तुरंत सब्सक्राइब कर लें चैनल को कक्षा 10वीं के लिए, और अभी 9वीं के लिए आपको संपूर्ण पेपर जो है जितने भी पेपर हैं आपको इसी चैनल पर उपलब्ध करवा जाएंगे, इसलिए तुरंत सब्सक्राइब कर ले चैनल को, सब्सक्राइब कर ले तुरंत चैनल को। और चलते हैं, जय हिंद जय भारत।